आज का हमारा टॉपिक है हम अपनी लाइफ में जल्दी और सही डिसीजन कैसे ले सकते हैं। तो दोस्तों, एक डिसीजन आपकी लाइफ को बना भी सकता है और आपकी लाइफ को बिगाड़ भी सकता है। एक सही डिसीजन आपकी लाइफ में खुशियाँ, पैसे, ये सब कुछ लेकर आता है, और एक गलत डिसीजन आपकी लाइफ में दुख, परेशानी को लाता है। सक्सेसफुल स्टूडेंट हो, बिजनेसमैन हो, या फिर जॉब करने वाला कोई साधारण सा आदमी, उनकी सक्सेस के पीछे उनका लिया गया एक सही डिसीजन होता है। तो आज हम बात करेंगे कि अपनी लाइफ में सही डिसीजन कैसे लेने हैं ताकि हम भी औरों की तरह सक्सेसफुल लाइफ जी सकें और प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा फॉर्मूला बताऊंगा जो कि बड़ी बड़ी सक्सेसफुल कंपनियां होती है उनके इम्पोर्टेंट डिसीजन लेने में काम आता है। उस फॉर्मूले का नाम है SWOT, SWOT। तो जो SWOT है उसका S बताता है स्ट्रेंथ, W बताता है वीकनेस। SWOT का S आपके अंदर की स्ट्रेंथ को बताता है, जो आपके अंदर खूबियां हैं। SWOT का W आपके वीकनेस को बताता है, जिस पर आपको ज्यादा काम करना होगा। आप स्टूडेंट हो तो आपको ये फॉर्मूला कैसे हेल्प करेगा, आइए जानते हैं। अगर आप स्टूडेंट हो तो आपके अंदर जो स्ट्रेंथ है, खूबी है, उसके बारे में अगर आपको पता होगा तो आप सक्सेसफुल हो सकते हो। जैसा कि एक स्टूडेंट जो कि गवर्नमेंट जॉब, स्कूल या कॉलेज के पेपर की तैयारी कर रहा है, तो अगर उसे पता होगा कि कौन से सब्जेक्ट उसकी स्ट्रेंथ है और कौन सा सब्जेक्ट उसकी वीकनेस, तो वो स्टूडेंट आसानी से डिसीजन ले सकता है कि जो सब्जेक्ट उसका वीक है उस पर ज़्यादा समय काम करना होगा अगर सक्सेसफुल होना है तो। वैसे ही अगर आप एक बिजनेसमैन हो तो अगर आपको अपने बिजनेस की स्ट्रेंथ का और वीकनेस का पता होगा तो आप ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हो और सही डिसीजन ले सकते हो। एग्जाम्पल के लिए, आपकी कंपनी मोबाइल बनाती है जिसकी लॉन्ग बैटरी उसकी स्ट्रेंथ है, पर जो उसका कैमरा है वो इतना क्लियर नहीं है, जो कि वीकनेस है। तो हम उस एक वीकनेस को सही करने के लिए सही डिसीजन ले सकते हैं ताकि हम इन फ्यूचर ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकें। और अगर आप जॉब करते हो तो आइए जानते हैं SWOT आपको कैसे हेल्प कर सकता है। अगर आप जॉब करते हो तो स्ट्रेंथ आपका एक प्लस पॉइंट होता है जो औरों से आपको अधिक सक्सेसफुल बनाता है, पर जो वीकनेस है वो आपकी कमजोरी होती है, वो आपका एक माइनस पॉइंट होता है। उनका पता लगाकर उनको सही समय पर सुधारना और सक्सेसफुल बनना, यह डिसीजन हमें SWOT के द्वारा जो उसका वीक पॉइंट होता है उसको हम कैसे सुधार सकते हैं बताता है। इससे हम जॉब लाइफ में भी एक सही डिसीजन लेके ज़्यादा सक्सेसफुल बन सकते हैं। अब SWOT का O और P बचता है, जिसको हम आने वाली वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वैल्यूबल लगी हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।